उन्होंने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की और ये हालत हो गई इंदिरा दीदी की। दादाजी, मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे अफसोस है। निशाने पर मैं थी और चोटिल हो गई इंदिरा दीदी। आखिर ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? नहीं 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 बिटिया, अपने आप को दोष मत दो। अब जो हो गया है उसे बदला तो नहीं ना जा सकता है। आप ठीक कह रहे हैं दादाजी, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा फिर से कुछ नहीं होने दूंगी, ये मैंने तय कर लिया। क्या करने जा रही हो? दादाजी, मैं सुमेंद्र को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। उसके सामने भी तो उसके परिवार की तस्वीर है। लेकिन बिटिया, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। काहे से कि सुमेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में तुम उसे ये बात बताओगी तो और परेशान हो जाएगा। दो दिन की बात है, सुमेंद्र ठीक हो जाएगा, तुम्हारी रस्में भी पूरी हो जाएंगी। हे भगवान, दुष्यंत के कब अकल आएगी? कब समझेगा वो कि जिसकी वो जान लेने के पीछे पड़ा है वो उसके अपने बेटे की जान है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। ये तुम्हारे जैसी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों की परेशानी है, जो बात समझने की हो वो तो समझती ना है, और जब जुबान चलाने को बोलो तो बिना भी रेख के चलती जाती है। अब तुम इतना जान लो कि हमरे सुमेंद्र बचुआ की सलामती के लिए तुम उसे तब तक नहीं मिलोगी जब तक कायदे से सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती। हमरे परिवार और हमरे बचुआ पे और संकट नहीं आए, इसके लिए जब तक सारी रस्में पूरी नहीं होती न तुम उससे मिलोगी और न उसका चेहरा देखोगी, और तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। तुमको सुमेंद्र बचुआ की कसम है। चलो जी। कहाँ? अरे इतनी जल्दी भूल गई? कहाँ? अन्नपूर्णा देवी का अपमान हुआ है, उसका प्रायश्चित करना है ना। गुरुजी से बात हो गई है, चलो। गुरुजी से बात हो गई? हाँ, गुरुजी ने बोला है कि इसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। आप भी सुनो, ये सब रसम वसम रुकवा दो, पहले प्रायश्चित होगा उसके बाद में ये रसम करेगी, गुरुजी ऐसा बोले हैं। चलो। हम जानते हैं तुमको इन सब में विश्वास नहीं ना, लेकिन हमरे समिंदर बचवा के लिए तुम ये सब करोगी ना? अब सकुन होने का और दर्द हम अपने बचवा को ना ही दे सकते। गुरुजी का कहा तुम मानोगी ना? जी, मुझे क्या करना होगा? पहले चलो, फिर बताएंगे क्या करना होगा। सारा बर्बाद खाना अपने हाथों से गौ माता के नाद में डालो। बोलो, हे गौ माता, ये ग्रहण कीजिए अन्न और हमको माफ कर दीजिए। हमारा मुंह का ताक रही हो हा? हम बोल रहे हैं कि ये गौ माता को डालो, अर्पित करो नाद में, और उनको बोलो कि हे गौ माता, हमारे पाप का प्रायश्चित करें, ऐसा विनती करके गौ माता को बोलो। चलो चलो। हे गौ माता, ये अन्न ग्रहण कीजिए और मेरे पाप धो दीजिए, मुझे क्षमा कीजिएगा। अरे अभी कहाँ? ए, थाली में पांच निवाला गौ माता का भोजन निकालो। अरे पकड़ो पकड़ो, जल्दी निकालो। अरे बहू, तुमने सुना नहीं? और तुम्हारे ससुर क्या कह रहे हैं? पांच निवाला निकाल के उस थाली में रखो।
हमको काय दे रही हो? गौ माता का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। लो और ये पांचनी वाला तुम भोजन करो। अरे उसे कहाँ देख रही हो? तुम्हारे पाप का परिस्थिति है, चलो खाओ। ये खाना मैं नहीं खाऊंगी। काहे नहीं खाओगी? हाँ, हम भोजन करने के लिए बोल रहे हैं। वो प्रसाद है, थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लो। ये प्रसाद नहीं है बाबूजी, ये झूठन है। और गाय की झूठन मैं नहीं खाऊंगी। रीति रिवाजों के नाम पर मैं अंधविश्वास का ना तो पालन करूंगी और ना ही समर्थन। जगह है? ये होता है पढ़ लिख लेने का नतीजा। अच्छा हुआ कि हमने अपनी देवी को नहीं पढ़ाया, नहीं तो वो भी इसी की तरह बदतमीजी करती। हमको एक बात का मलाल रहेगा कि हम तुमको सही शिक्षा नहीं दे पाए। आ गए फालतू में प्रवचन देने। देखो इनके पास मलाल के सिवाय कुछ नहीं बचा है। ओए, जाओ जाके सो जाओ, यहाँ धर्म कर्म का काम चल रहा है, बीच में नहीं आओ फालतू। अरे गाय का जूठन खिलाने से कौन सा धर्म कर्म कर रहे हो तुम? प्रायश्चित मन से होता है, आडंबरबाजी से नहीं होता है। आप बड़े प्रायश्चित के गुरुजी बन रहे हैं। जो प्रायश्चित का असली तरीका समझा रहे हैं? प्रायश्चित के लिए तो लोगों को गोमूत्र तक पीना पड़ता है। दुष्यंत तो फिर भी इसे पांच निवाला खाने के लिए कह रहा है। अरे जब ही बासी खाना नहीं खाना चाहती तो काहे जबरदस्ती कर रहे हो तुम लोग? बस मौका नहीं मिला इनको कि ये चालू हो गए। अरे अगर नहीं खाना चाहती तो ठीक है, कौन जोर जबरदस्ती कर रहा है इसको? ये नहीं करेगी तो प्रायश्चित कैसे पूरा होगा? और हमरे सुमिंद्रवा के सर से ये बलाओं का ग्रहण कैसे उतरेगा? निर्धरिया, आगे की रस्म भी होगी और तुम्हारे बेटे के माथे से बलाए भी उतरेगा। लो। अब जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, इसकी जगह तुम प्रायश्चित कर लो, खाओ लो। फालतू लो लो लो। है कि ये रस्म अगर रसोई बनाने वाला नहीं करता है तो रसोई की मालकिन भी कर लेती है। तो भी प्रायश्चित कट जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? माँ जी ने कुछ नहीं किया है फिर वो क्यों खाएंगी ये? अरे वो इसलिए माता रानी, क्योंकि परंपरा है। आप तो धर्म मानती नहीं ना, और ना ही परंपरा। पक्का है कि हम तो इससे बंधे हुए हैं, इसलिए ये करना पड़ेगा। बाबूजी लेकिन तूने मना कर दिया तो हम कुछ बोले? बस अब खड़ी रहो और चुपचाप देखो, देखो इस घर की परंपरा का कैसे निर्वाह और पालन होता है। तुमने पाप किया, अब भोगेगी हमारी निर्जरिया। ओए हमरे रसोई की रानी, चलो एक एक करके निवाला उठाओ, बिना नानू कांकू किए चुपचाप चलो ग्रहण करो प्रसाद।
रुकिए माँ जी, ये आपका धर्म है तो मेरा भी धर्म है कि मैं अपने सामने अपने से किसी बड़े का अपमान होते हुए नहीं देख सकती। बाप रे बाप, भाई देखो नाटक, फिर से नाटक। तुमको जब इतना प्यार ही था अपने सास से, इतनी चिंता है उनकी, तो खुद क्यों नहीं खा लेती? अगर मेरे इस खाने को न खाने से आपके धर्म को ठेस पहुंचती है तो ये खाना मैं खाऊंगी। बिटिया, अरे खटमलों के डर से बिस्तर नहीं फेंका जाता। तुम बिल्कुल सही हो, अपना विचार मत बदलना बेटी। नहीं दादाजी, मेरी वजह से किसी और को सजा मिले ये होते हुए मैं नहीं देख सकती। मैं ये खाना खाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आपकी गलत बात मैं मानूंगी। ये अंधविश्वास है और किसी को भी इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। आपके धर्म, कर्म और सुमेंद्र की मां के सम्मान को ठेस ना पहुंचे इसलिए ये खाना मैं खाऊंगी। ये कहते हुए कि एक गलत परंपरा है और इसे खत्म होना चाहिए, चारने वाले और हैं। अरे प्रसाद है, रोते नहीं, रो मत। ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई रांझना वे, फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना, फिर से दिल दी है ये
दुहाई साजना है, लकीरों पे लिख दे क्यों जुदाई। गैर सा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा। आई लव यू टीचर जी। टीचर जी कर ले चल यारी, दिल ये कह रहा खोलू जो बाहें, बस गम ये सिमट रहे हैं आंखों के आगे, लम्हे ये क्यों घट रहे हैं, जाने कैसे कोई सहता जुदाइयां। चदरिया जी नीरे जीनी, चदरिया जी नीरे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, याद जीनी रे जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। पर रात के नौटंकी के बाद कड़क चाय बनाई है बहुरिया। बाकी बाबूजी, हमको नहीं लगता कि इतने में उसकी अक्कड़ टूटेगी, बहुत पक्की है वो। मेरा नाम दुष्यंत सिंह है, हम बड़े बड़े पहाड़ पर्वत का अक्कड़ तोड़ देते हैं, ये छोकड़ी कौन चीज है। ये जो नौटंकी चल रहा है ना, तरह तरह के तमाशा करते रहो, देखना दो चार दिन में बुरिया बिस्तर लेके भाग जाएगी यहाँ से। वो रात को काली माई को हलवा चढ़ाना है, समझ में नहीं आ रहा है कि का करे कि वो परेशान हो जाए। हम बताते हैं कि का करना है। काली माई को प्रसाद चढ़ाना है, इसलिए बाल धोकर अच्छे से नहाना और प्रसाद भी बहुत अच्छे से बनाना, और नहाने के बाद से लेकर पूजा होने तक बाथरूम नहीं जाना। वो कहा है उससे इंसान अशुद्ध हो जाते हैं। जी कैसी रस्म है ये? तो रस्म के बारे में सवाल करने लगी, निभाएगी का? ये तुम्हारी पढ़ाई नहीं ना, पूजा पाठ है। देवी देवता को खुश करने की खातिर कष्ट उठावे के पड़त है, समझी? रसम तो रसम होती है, है? पूर्वज जो कर गए उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। इतनी पूछताछ तय किया करो, इलो ये साड़ी पहननी है पूजा के लिए। माँ जी, मैं रसम निभाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक मेरी साड़ियां मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं प्रसाद बनाने नहीं जाऊंगी। बाप रे, ये तो जबान पे सारा जहां उठा के चलती है। ओए, भूल जाओ बैग, भूल जाओ साड़ी, और ये साड़ी का चक्कर छोड़ो, रसम से बड़ा साड़ी वाड़ी नहीं है, समझ गई? जो कहा गया वो करो। लो अब जाओ और जल्दी से तैयारी करो, शाम होने में ज्यादा वक्त नहीं ना, प्रसाद को भूनने में बहुत समय लगता है, जाओ जल्दी करो। इस बार बाबूजी की इज्जत के सामने मैं नहीं झुकूंगी।